मैं ख्याल तेरा, मेरा ख्वाब है तू। तेरे दिल में मैं, मेरी धड़कन में तू। तेरे हर पल में मैं, मेरी हर सांस में तू। तेरे हर किस्से में मैं, मेरी हर बात में तू। तुझ में हूँ मैं और मुझ में है तू। तो अगर ये आपकी फीलिंग्स भी रही हैं आपके पार्टनर को लेकर के, लेकिन किसी भी वजह से आप लोगों में अभी नो कॉन्टैक्ट है, सो जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या आज भी आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए आज देखते हैं क्या आ रही है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, सो कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी जो भी विशेज हैं, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप क्या चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओके? क्योंकि लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। और अगर आप लोग अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी नंबर चल रहा है, आप वहाँ पर भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके? सो आप मैसेज कीजिएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर के दिल में इनको लेकर के। सो ऑल साइन रीडिंग होती है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड यहाँ ओपन हुआ है, नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो सबसे पहले राशि है जो यहाँ पर आ गई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके, सो द मून आया है आपके लिए, फाइन। सो चलिए नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं क्या आ रहा है। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर नेक्स्ट। सो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ निकल के आई है पाइसिस, मीन राशि, द हायरोफेंट, ओके। सो नेक्स्ट प्रोमिनेंटली आ गया है टॉरस, वृषभ राशि, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सेवन ऑफ कप्स, ये आ रही हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ओके। नेक्स्ट आया है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लवर्स का कार्ड आया है, सो बहुत प्रोमिनेंटली आ गई है जेमिनी, मिथुन राशि, ओके। नेक्स्ट आया है द सन का कार्ड, सो ये आए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको ले करके, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट एक कार्ड हम देख लेते हैं क्या आया है। नेक्स्ट आया है द चैरियट का कार्ड, ओके, ये आए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, देखिए, ओके। सो देखो, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको पता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं, ज़्यादा किसी के साथ बातचीत करना, ज़्यादा किसी के साथ बोलना बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, आप अपनी लाइफ को लोगों से अलग रखना पसंद करते हो, ठीक है, भीड़ से अलग रहना आपको ज़्यादा पसंद है, आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, अपनी लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को डेफिनेटली पता है, ठीक है।
एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ मेजर ब्लेसिंग्स भी आपके यहाँ पर आपके रिश्ते में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही सन का कार्ड यहाँ आने का मतलब है कि बहुत ही हैप्पी कुछ आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स, बहुत अच्छी एक सुबह, बहुत प्यारा सा एक दिन आपके ज़िंदगी में आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। सो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस भी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें सोच रहे हैं एंड फोकस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, अपने ऊपर चेंजेस के ऊपर। पास्ट में ज़रूर हुआ है ऐसा कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल रहे हैं आपको लेकर के, कि आप क्या करते हो, नहीं करते हो, सही है, गलत है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें ना जजमेंटल रही हैं आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। तो वो चीज़ उनको समझ में आ रही है कि कुछ एक्स्ट्रा ही जजमेंटल हो गए ये आपको लेकर के। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इनके दिल में डर, कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि क्या उन्होंने आपके साथ सही किया या गलत किया, जिस भी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट है। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो अभी और आपके साथ उन्होंने अचानक से नो कांटेक्ट दे दिया है, अचानक से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो है ज़रूर अभी किसी और के साथ कांटेक्ट में, लेकिन अगर हम आप अभी की करंट फीलिंग्स की बात करें तो करेंटली वो ये बात ज़रूर सोच रहे हैं कि आपके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ डिमांड भी की हो उन्होंने, राइट, तो वो चीज़ें आपने एक्सेप्ट नहीं की हैं और वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको जज करने लग गए एंड उसी वजह से उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें अभी उनको समझ में आ रही है, जब वो किसी और के साथ कांटेक्ट में है या फिर किसी और सिचुएशन में है तो वहाँ पर बहुत इजी गोइंग हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा टफ़ हो रहा था जाना, या आपके साथ थोड़ी सी टफ़ गोइंग हो रही थी चीज़ें, जो कि अब समझ में आ रहा है कि वही चीज़ तो होती है लॉयल्टी, ठीक है। किसी के साथ ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सब सारे ऑफर्स एक्सेप्ट करना और सब चीज़ों को इजी गो करना, ये एक लॉयल्टी नहीं होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं अभी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उन्होंने आपसे पहले रख ली जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जो एक पेशेंस है आपके अंदर बहुत ही डिफाइंड है, आपके लिए आपके वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्यार है, भरोसा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपके लिए आपको खुशी मिलती है जब आप अपनी वैल्यूज़ में, अपने नियम में आपको रहना पसंद है, ठीक है, आपको आप किसी और के हिसाब से चलना आपको पसंद नहीं है, आपने खुद की बाउंड्री सेट की हुई है कि मुझे बस इतनी बात करनी है या मुझे सिर्फ इतना ही करना है या मैं सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके ऊपर चीज़ें आप बर्दाश्त भी नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को उस टाइम ज़रूर समझ में नहीं आई कि आपका एक वैल्यू सिस्टम है, एक डिफाइंड वैल्यू सिस्टम है आपका, ठीक है, उसके ऊपर आप किसी का भी बकवास एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। सो वो चीज़ें, वो डिफरेंसेस अभी उनको समझ में आ रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल हैं, है ना, एंड आपको डेफिनेटली आप पास्ट में नहीं, आप प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस करते हो, आप ग्रो कर रहे हो अभी हर तरीके से, ठीक है। अभी पार्टनर ज़रूर आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ज़रूर ग्रो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं, उनको अभी कुछ टेंशन है, परेशानी फील कर रहे हैं, सारा दिन टेंशन फील करते रहते हैं, परेशान फील करते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनको वीक भी फील हो रहा है, राइट, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जहाँ भी हैं, जो भी अभी ये काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में ज़रूर आपको काफ़ी ज़्यादा गलत समझा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आपके पार्टनर की, बहुत उम्मीदें रखी हैं उन्होंने आपसे, या फिर जितना नहीं उनको बोलना चाहिए था या जितना उनको नहीं, मतलब बियॉन्ड लिमिटेशंस उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, बट डेफिनेटली उस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते आप दोनों को अलग किया गया है या सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी यहाँ जिस भी सिचुएशन में वो है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में है तो अभी थर्ड पार्टी के ऊपर ही यहाँ पर चीज़ें जा रही हैं, शक जा रहा है और चीज़ें उधर से थोड़ी सी नेगेटिव हो रही हैं,
राइट अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, राइट अगर आपसे गुस्सा है, नाराज़ भी है किसी बात को लेकर के, तो भी अभी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राइट बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बिल्कुल बिठाना चाहते हैं आपके साथ। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड एक साथ आया है, सो डेफिनेटली उनको अब ये फीलिंग, पहले अगर वो नहीं ये चीज़ फील कर पाए, बट अभी वो ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड रहा है या जो आप दोनों का प्यार है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। पहले ज़रूर उन्होंने शायद आपकी तरफ नहीं इतना ध्यान दिया होगा, बट अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार उनका मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अटेंशन आपकी तरफ हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेंशनल आपके बारे में फील करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी अधूरापन आप दोनों के रिश्ते में रह गया उसको अभी ये पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें पास्ट की इनके दिल में रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। अब ये ज़रूर इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके मन में इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अब आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपसे बेस्ट कोई और हो नहीं सकता। अब आपको लेकर के जो भी डाउट्स इनके रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने सोचा समझा आपके बारे में, वो अभी डाउट्स भी क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी और आपको वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रपोजल ज़रूर देंगे, ठीक है। हो सकता है अभी समय ठीक नहीं है या अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी वो आपके लिए रेडी नहीं है, सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर वो अपने अंदर लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो फिर चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना, वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, वाओ, ठीक है। सो यहाँ पर रीयूनियन आता दिखाई दे रहा है। सो जहाँ पर पहले अगर वो रुक गए थे आपके साथ आने से, घबरा रहे थे, डर रहे थे या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो चैरियट का कार्ड आया है निकल करके। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली कर्क कैंसर राशि निकल के आई है। सो यहाँ काफ़ी कुछ चेंजेस अभी उनके इमोशंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात अब डेफिनेटली वो बताना चाहते हैं। शायद बात उन्होंने पहले बंद कर दी तो इतना इजी नहीं रहा है उनके लिए ये सफ़र भी, ठीक है। सो एक डिस्टेंस ने उनको समझ दे दी है, आपसे दूरियों ने आपको आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए उनकी बढ़ा दी है, ज़्यादा प्यार उनके दिल में आपके लिए बढ़ चुका है, ठीक है। सो जो चीज़ें भी आप दोनों में अलग रही हैं, एंड ये देखो फिर से यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है एट ऑफ वॉन्ड का, कि बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द वो आपसे कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे या आप तक मैसेज ज़रूर कोई ना कोई बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें वो अपने किए की माफ़ी मांगेंगे या जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ कहा है या किया है उस चीज़ के लिए वो आपसे सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अपने को हर परेशानी में डाल करके उन्होंने देख लिया कि हर परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। जो भी उनके दिल में आ रहा है वो आपको बताना चाहते हैं, जो भी हर्डल्स हैं वो सारे हर्डल्स क्रॉस करके आपके पास डेफिनेटली आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी ज़रूर कुछ चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं, ठीक है, बट ये समय बहुत जल्द निकल जाएगा। जिस तरीके से अच्छा समय लंबा नहीं चलता, बुरा समय आता है, उसी तरीके से बुरा समय भी बहुत लंबा नहीं चलता है, अच्छे वक्त, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। सो अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही हैं। सो अकेलापन उनको अभी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, सो प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, कंट्रोल किया हुआ है थोड़ा सा अपने आप को करंट सिचुएशंस में, बट आगे आने वाले नियर फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताएंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेटर रीडिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। ओके, सब्सक्राइब कर लिया है सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने
आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहां से देख रहे हैं। क्लेम करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।